रही है और मेरा पति किसी और की वाइफ पे दिल जीतने में लगा हुआ है। What a tragedy. अच्छा, इस लड़की की कॉमिक टाइमिंग भले ही जितनी मर्जी खराब हो, आने की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट इसकी। कैसे किसी सुंदर लड़की से दो बातें करता हूं, बीच में टांग मारती है। अरे मेहमान आए, दुआ सलाम करो कोई उनको। हाय फरहान। हाय हाय विद्या। हाय विद्या, एक बात शेयर करनी थी। आप एक औरत है, आई एम श्योर आप एक दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हैं। जी बिल्कुल। वो कमी समझती दर्द उनको की दर्द, तेरा खुद का मुंह पेन किलर के इंजेक्शन जैसा, तेरा कोई दर्द होएगा? खुद की लड़कियों का दर्द नहीं होता, समझ में आया ना? आप सिर्फ मेरी बुराई करते रहो, दूसरी लड़कियों की तारीफ करते रहो। सुनिए सुनिए, मैं एक बात कहूं। हाँ। कि आपके यहाँ आने से पहले कपिल आपकी तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था कि बिना कहे बिना बोले वो आपकी सारी बातें बिल्कुल समझ जाते हैं। आत्मा का रिश्ता, बिल्कुल बिना कहे समझ आता है, लेकिन जब बोलती तब नहीं समझ में आता है। अभी जैसे इसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ। ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठे बात करो, मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम है ना। विजय ये बस चाहता है, ये मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि हम औरतें इन मर्दों पे ज्यादा भारी ना पड़ जाए। That's the motive. ये तो हो ही नहीं सकता। देखो हमारे बिना इनका क्या होता है, क्या कोई होता काम नहीं होता। सुबह उठो तो बिना वाइफ के ना रुमाल मिलता है ना सॉक्स मिलते हैं। रुमाल जुराबे बनियान मिले कहाँ से? मेरी बनियान तो खुद पहन के सो जाती है। हरे रंग की साड़ी पहन के तोती लग रही तोती। चूड़ियां देखो कहां तक पहनी इसने, ये चूड़ियां पहनी नहीं, चूड़ियां रख के अंदर बाजू डाली उसने। इतनी चूड़ियां पहन ले भाई, वजन देखो 250 ग्राम की, आधा किलो चूड़ियां पहनी, पर चूड़ी के बाहर से ऐसी होती रहती है। गहने वहने डाला करो। क्या बोल रही थी बताओ? मैं बोलू? हाँ जी। हाँ, हमसे कहते रहते कि अपने डिमांड्स कम करो, एक बार तो सब्जी वाले से रेट कम करवा के दिखाओ। नहीं नहीं, और कुछ नहीं तो जरा दो दिन सास को संभाल के दिखा दो, स्पेशली मेरी वाली जो रोज शाम को दो पैग लगा के बैठ जाती है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, बस यही था। बस यू ही? नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो एक ही टाइम पे हंस के और रोक के दिखा दो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हम पे भारी हो तो फिर एक बच्चे की डिलीवरी करके दिखा दो। हमसे तो कोरियर डिलीवरी ना हो या बच्चे की डिलीवरी कहां से करेंगे, ये मुश्किल काम है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब बोलो, अब थोड़ा सा शिवलरस हो जाओ, खड़े हो जाओ। सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। तुम तो ऐसे न थे। आपको क्या हो गया? अच्छा बताओ ना जल्दी, क्या करने आई थी? अरे तुम्हारी चाचा अजीबा गरीब डिमांड कर रहे, उन्हें सिर्फ अनार का जूस पीना, कहां से लाऊं मैं अनार का जूस? मेरे रिश्तेदार, उन्होंने कभी अनार का जूस नहीं पिया, फालतू में आके डिमांड कर रहे। एक काम कर, नींबू पानी में ना सिंदूर डाल के पिला दे उनको। बात करने से मेरी इंटरव्यू चल रही है। अरे लेकिन वो तुम्हारी वो झांसी वाली बुआ का पोता, उसका मुंह प्रेशर कुकर में फंस गया है। फिर क्या हुआ? एक काम का ढक्कन लगा, 3 सीटी बजा उसको। जा ना जल्दी, मेरे मेहमान सो रहे, जा अंदर जाके। अच्छा हां ठीक, अच्छा ओके। नहीं नहीं, आप दोनों प्लीज फेरो तक जरूर रुकिएगा, मैं दुल्हन को तैयार करके लाती हूँ। प्लीज सॉरी। वाह, जानू आज बताओ क्या है? आज ठंड है। आज वैलेंटाइन्स डे है। अच्छा तो बताओ आज मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? क्या मिस कॉल दे दूं? कभी तो कुछ डिफरेंट दो, मिस कॉल तो रोज ही देते हो। अरे तो एक काम करो, तलाक ले लो। इतने अच्छे दिन पे ऐसी मरूस बातें नहीं करते। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये तो तूने गिफ्ट दे दिया मेरे को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बेबी सॉरी, यू नो एवरीबॉडी नोस कि हाउ मच आई हेट यू ना। अरे गाना नहीं सुना वो, आई हेट यू लाइक आई लव यू, उस तरीके वाला पागल है। अच्छा ठीक है, बातों में मैं तो आपसे कहना ही भूल गई। क्या? पता है कल मैंने सपना देखा कि आप और मैं स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों में बैठ के चाय पी रहे हैं। देखो बेबी, 3.5 रुपए का मुंह सपना तूने 8.5 लाख का देख लिया। अपने हिसाब से सपना देखा कर, कहीं टीले में बैठ के मैंने बेर खाए तो ये तू क्या इतने महंगे सपने नहीं देखते बेटा? मैं सच बोल रही हूँ। और पता है परसों मैंने ये भी देखा कि हम अफ्रीका में, और पता है आप क्या कर रहे थे? क्या? पाजी अफ्रीका में ये मेरे मेरे होठों की तारीफ कर रहे थे। ओह अजूबा,
पर जहाँ बैठा तारीफ कर रहा था उनके अपने भी तो देखो ना, उनके हिसाब से तो तुम्हारी तारीफ ही बनती है ना। समझ जा, कुछ भी कहते रहते, पता नहीं ये दादी को क्या हुआ, फिर से ज्यादा पी ली? अरे नहीं, दादा को याद कर रही, वैलेंटाइन है ना, तो फोटो लगा के सो गई उसकी। शर्म करो कुछ सुसी को अपनी दादी से, इसी कहते हैं मोहब्बत, पति पति का प्यार, और एक तुम हो जो जब तक बेइज्जती करते रहते हो। कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये शादीशुदा लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई है, कोई प्यार नहीं होता। जा फिर दादी को उठा के उससे कर ले प्यार की बातें। हाँ कर लूंगी। जा रहा हूँ मैं। जाइए। I'm not looking smart. Go. Wo. You go. Shut up. दादी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। हाँ तो बच्चे बड़े हो गए, कुछ तो शर्म करो। दादी। दादू पापा आपको डांटते नहीं थे जब आप शराब पीने बैठ जाती थी? ओ ना, बिल्कुल ना। जो सुनता ना, बिना कंपनी के तो पैक पीते ही नहीं थे। तुझे पता है बहू, हनीमून पर भी है ना, उन्होंने हाथ खींच के से फुटक करके मुझे बिठाया था। कहने लगे दो दो पैक मार लेते वरना एक दूसरे को जानने में 3-4 घंटे निकल जाएंगे। फिर हनीमून के बाद है ना, तू क्या यहाँ छटकारे लेकर मजे ले रही है मेरी बातें? चल जा किचन में जा। दादू पापा क्या करते थे? दादू पापा क्या करते थे? खुद तो कुछ कर। बहुत बड़ी हो गई। लेकिन आपने मुझे कब छोटा देखा? बेटा कभी ना कभी तो छोटी हुई होगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। बड़ी कब हुई भाई, इसी साल से पूछ रहे। दादी देखा, दादाजी आपसे कितना प्यार करते हो, कितनी दूर से आ गए। और एक मेरा बिट्टू है, आज के दिन भी घर पे नहीं है, गधा कहीं का। उससे अच्छा तो मेरा दोस्त है चिंटू, रशिया में रहता है, लेकिन हर साल मुझे वैलेंटाइन डे पे फोन करके विश करता है। इस साल तो वो इंडिया में भी है। हाँ? हाँ। क्या नाम बताया रशिया वाले दोस्त का? चिंटू। चिंटू बेटे, ये रशिया वाला नाम है ही नहीं। अरे ये रशिया में ये नाम होते, रशिया में जो नाम होते गुरगोस्त्रो गुरगोस्त्रो गुरगोस्त्रो, ये नाम होते। मांजो मंजू के बच्चे। भैया आप कौन है जो हमारी बीवी के साथ नाच रहे हैं? हमारी बीवी नहीं भाई, हमारे बिट्टू की बीवी हुई, तो हमारे बिट्टू की बीवी हुई ना। मांजो, who is he? ये कौन है? ये हमारे दादाजी है, 17 साल के बाद आए, और ये चिंटू मेरा दोस्त रशिया से। अच्छा ओके, वो तो ठीक है, लेकिन what is बिट्टू? बिट्टू तुम्हारे हस्बैंड का नाम बिट्टू है? Oh my God, हम तो ऐसे नाम वाले उधर सर्वेंट भी नहीं रखते। बिट्टू, हाँ, leave it, just let me know where's your husband, तुम्हारा वो husband किधर है? देखो ना, Valentine Day पे भी मुझे time नहीं देते। हाँ, और मुझे पड़पोता नहीं देते। जब उसको time नहीं देता तो तुमको पड़पोता किधर से देगा वो? मुझको तो पक्का यकीन है, वो अपने नौकर को तनख्वाह भी right time पे नहीं देता होगा। तनख्वाह नहीं देता होगा? तुम्हें कैसे पता? और सिंपल सी बात है, जब उसको टाइम नहीं देता, तुमको पड़पोता नहीं देता, तो नौकर को तनख्वाह भी नहीं देता होगा। ऐसे कटिया लड़के से शादी करने से अच्छा था कि तुम अपना और फीकी चाय पी लेती। भाई फीकी चाय, ये क्या मतलब हुआ भाई? जो जिससे शादी की थी उससे कोई मतलब बना था उसका? देखो तुम मुझसे शादी कर दी, तुमको हमारी मेमोरीज के बारे में नहीं पता। कॉलेज के दिन थे, एक ही प्लेट में हम खाना खाते थे, तुम्हारे इधर समोसा लग जाता था, मैं इन बालों से तुम्हारा समोसा साफ करता था। हाँ भाई बहू, मायके में भी एक ही थाली में खाते थे, कॉलेज में मतलब पुश्तैनी भुक्कड़ नंगे हैं।